गांधी प्रतिमा पे इस वक्त हम खड़े हैं। आपको बता दें कि देश के सातवें प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की आज जयंती को बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि यहां पर सभी कांग्रेसी मौजूद हैं, उनसे हम जरूर जानेंगे कि किस तरीके से जो है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर दिन जो है कांग्रेसी नेता जो है कुछ ना कुछ करते हुए आपको जरूर नजर आ रही हैं, और वो एक खास प्रेरणा का स्रोत जो है वो उनको राजीव गांधी जी से और अपने कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स के माध्यम से मिला है, ऐसा जो है कांग्रेसी नेताओं का कहना है। फिलहाल आज जो है राजीव गांधी जी की जयंती को मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सिर्फ वोट न्यूज पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं राजीव गांधी जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जन्म दिवस जो है उनका यादगार के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रण लिया जा रहा है कि लोगों की सेफ्टी के लिए एक बड़ा काम कांग्रेसी नेता आज करने वाले हैं। फिलहाल आज जो है इनके द्वारा एक ऐलान किया गया है, वो भी हम इस वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये संदेश सभी तक पहुंच सके। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहना है। राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और पूरे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित साथी बहन और भाई यहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, और सभी ने सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया। हमारे साथियों ने बहुत शानदार ढंग से यहाँ पे उनको याद किया। आज जिस तरह के देश में हालात हैं, आज देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के, और भाजपा की जो सरकार है वो जिस तरह संसद में प्रस्ताव लेके आती है उसमें भी टकराव लगता है। कई बार ऐसा लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी कोई खतरा है, ऐसा भी लगता है हमें कि आज लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं खतरा है। आज धर्म को भी ऐसा लगता है कि कहीं धर्मों की लड़ाई कराकर धर्म को भी ना खतरा पैदा हो जाए। आज ये भी लगता है जातिवाद फैल कर उसका भी नुकसान ना हो जाए। समाज का अर्थ क्या है? समाज का अर्थ ये है कि सभी जातियों को साथ लेके चले, सबके साथ मिलके काम करें, एक ऐसा गुलदस्ता हो जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग मिलजुल कर इस भारत को चलाएं। और भारत ने बहुत तरक्की की है पिछले 70-75 साल के अंदर, लेकिन पता नहीं आदरणीय मोदी जी क्यों कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने तो एक नई करेंसी चलाई थी, वो 2000 का नोट भी आपसे 2-7 साल नहीं चला, और आज आपने पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जैसे युवाओं को बेरोजगार किया है, जैसे एक माँ बाप को 25-30-35 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को विदेश भेजना पड़ता है, उस व्यवस्था को देखो, गरीबी को देखो, उस पर महंगाई के ऊपर ये भाजपा की सरकार कोई काम नहीं कर रही। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था, आज मणिपुर की घटनाएं और जो हमारी पहलवान बेटियों की जो उन्होंने अपना संघर्ष किया जंतर मंतर पर, उससे ऐसा लगता है कि ये भी एक जुमला है। देश को ये बात समझनी पड़ेगी कि आज इस युद्ध के अंदर, इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, आज मैं भारत के लोगों से, हरियाणा के लोगों से, करनाल के लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हम एक आज़ादी गौरव यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। आप हमारा कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुमत से कांग्रेस को जिताइए, लोकतंत्र को बिचाइए। जय हिंद, जय भारत, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। जय हिंद। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से लोगों के विचार जो है आपने सुने हैं, और इनके विचारों से आप कितना सहमत है ये कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि 77वीं जो यात्रा है, यानी कि गौरव यात्रा है, जो कि कांग्रेसियों के द्वारा आज निकाली जा रही है, और आप बैनर्स भी हाथ में देख सकते हैं कि बेरोजगारी के लिए और महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो है ये यात्रा निकाली जा रही है, और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है तमाम नेताओं के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, इस तरह के बैनर लेकर जो है तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, और गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है, और कहीं ना कहीं अब लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन प्रवीण के साथ। धन्यवाद।